أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students आज हम साइंस में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस तरह से मौसम तब्दील होते जाते हैं और इंसान में तब्दीलियां आती जाती हैं बिल्कुल इसी तरह जो मटेरियल्स होते हैं अशिया होती हैं चीज़ें होती हैं उनमें भी मौसम की वजह से तब्दीलियां आती जाती हैं और आज हम इन्हीं तब्दीलियों को डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं कैसे तब्दीलियाँ आती हैं आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8-9 हाउ मटेरियल चेंज यानी चीज़ें कैसे चेंज होती हैं 9 अगस्त से और एक ये बहुत बड़ा शो हो रहा था किसका शो हो रहा था मटेरियल्स का शो हो रहा था और इसमें बहुत मुख्तलिफ मटेरियल्स को इनवाइट किया गया था और 4 बजे का वक्त था जब ये शो शुरू हुआ किसने शो शुरू किया था मिस्टर वुडी जो इस शो का कंडक्टर था जो सबकी रहनुमाई कर रहा था उसने इस शो का आगाज किया अब मिस्टर वुडी जो है वो बता रहा था कि मैं फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता हूँ और भी बहुत से सख्त मटेरियल्स बनाए जाते हैं मुझसे क्योंकि मैं एक सख्त मटेरियल हूँ अगर आप वुड को लकड़ी को हाथ में पकड़ें तो आप आसानी से उसे नहीं तोड़ सकते उसे तोड़ने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी पानी की तरह नहीं होती अगर लकड़ी को पानी लग जाए तो वो ख़राब हो जाती है हमें लकड़ी को पानी नहीं लगने देना चाहिए अगर लकड़ी को पानी बिल्कुल लग भी गया तो हम उसे गीली लकड़ी को अगर धूप में रखें या सूखने वाली जगह पर रखें उसको सुखा लें और फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और ऐसे ही लकड़ी को पानी लगा फिर पानी को ड्राइड किया लकड़ी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई ये चेंज ख़त्म हो गया है इसीलिए इस चेंज को टेम्पोरेरी चेंज यानी आरसी चेंज कहते हैं और इस चेंज का नाम फिजिकल चेंज है अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज कि फिजिकल चेंज कैसे होता है अब हम केमिकल चेंज डिस्कस करेंगे अगर हम लकड़ी को जला दें तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा आ सकती है नहीं आ सकती अपनी असली हालत में अगर हम उसको जला देंगे तो वो राख बन जाएगी तो वो राख अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी ये चेंज कौन सा चेंज है यानी मुस्तकिल रहने वाला चेंज जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेकर आया इस चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज यानी परमानेंट चेंज भी कहते हैं और केमिकल चेंज भी कहते हैं मिस्टर वुडी जैसे बता रहे थे अपनी एग्जाम्पल्स दे रहे थे बिल्कुल इसी तरह अब मिस्टर पपी जो पेपर है पेपर अब अपनी एग्जाम्पल अब पेपर आया और पेपर ने अपनी एग्जाम्पल बताई पेपर ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सॉफ्ट मटेरियल हूँ पेपर को अगर हाथ में लें तो वो कितना सॉफ्ट होता है वो लकड़ी से सॉफ्ट होता है अब मिस्टर पपी ने बताया कि अगर मुझे गीला कर दिया जाए और फिर उसके बाद सुखाया जाए तो फिर मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाता हूँ तो ये जो है मतलब मुझे गीला किया और उसके बाद सुखाया और फिर मैं अपनी असली हालत में आ गया ये चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज यानी कि आरसी चेंज जो ख़त्म हो जाता है अब इसी के बरक्स अगर मिस्टर पपी को जला दिया जाए और फिर उसको वो असली हालत में रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि वो जलकर राख हो जाएगा तो ये चेंज जो मुस्तकिल रह जाने वाला चेंज है वो चेंज केमिकल चेंज कहलाता है अब मिस्टर पपी के बाद मिस रूबी आया जो एक रबड़ था रबड़ जो कि आप जानते हैं कितना सॉफ्ट मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है और ये मुख्तलिफ रंग भी देता है और इसी मुख्तलिफ जो वैरायटी के रंग देता है यही इसमें फिजिकल चेंज है ये इसका फिजिकल चेंज है अब मिस रूबी को ज्वाइन करते हुए मिस्टर हर्डे आ रहा है और वो क्या बताता है कि मैं एक मेटल हूँ और बहुत ज़्यादा जैसे दूसरे मेटल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा सख्त मेटल हूँ अब ये मिस्टर हार्डी आयरन बार है यानी कि लोहे का बार अब अगर आप लोहे को तोड़ना चाहें या काटना चाहें तो आप काट सकते हैं या नहीं काट सकते और उसे काटने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है और उसी मशीनरी से ही काटा जाता है और यही चेंज जो उसे काट कर इस्तेमाल में लाया जाता है और उससे फर्नीचर बनाया जाता है और भी बहुत सारी लोहे से चीज़ें बनाई जाती हैं काट कर इस्तेमाल किया जाता है यही चेंज इसका फिजिकल चेंज कहलाता है अब इसी के बरक्स अगर लोहे को अगर नमी वाली हवा में छोड़ दिया जाए या पानी लगे लोहे में तो वो क्या बनता है जंग बन जाता है और वही जंग यानी कि वो उसको लोहे को ख़राब कर रहा है और ये क्या है मुस्तकिल रहने वाला चेंज है इसी चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं अब जो रस्ट होता है जंग होता है वो कैसे लगता है जब ऑरेंज लेयर हो जाती है जंग जब लगता है ऑरेंज लेयर हो जाती है
उस लेयर को रस्ट कहते हैं। अब मिस्टर नेपुडी मिस्टर हर्डी से पूछता है कि आप यह क्या ये जंग रोकने का कोई तरीका नहीं है, तो वो बताते हैं कि हाँ जरूर है इसका तरीका। जहाँ से जंग निकल रहा है उस जगह को अगर पेंट कर दिया जाए, अच्छे से पेंट करके उसको कवर कर दिया जाए बिल्कुल, तो जंग होना खत्म हो जाता है, फिर जंग नहीं होता। अब इसी के बरक्स जैसे मिस्टर हर्डी ने बताया, अब मिस्टर टिप टिप जो इस शो के आखिरी स्पीकर हैं वो आए और उन्होंने बताया, टिप टिप कौन है? पानी। पानी आपने देखा है सबके घरों में होता है पानी। अब पानी बता रहा है अपने बारे में कि मैं हमेशा ही फिजिकल चेंज में रहता हूँ, क्योंकि अगर हम पानी को गर्म कर लें और फिर ठंडा करके फिर फिजिकल चेंज में ला सकते हैं, और अगर फ्रीजर में रख कर फिर उसे बाहर निकाल कर उसे फिर फिजिकल चेंज में ला सकते हैं। हमेशा ही पानी फिजिकल चेंज में ही रहता है, केमिकल चेंज में नहीं जाता पानी। अब पानी की तीन हालतें होती हैं, एक लिक्विड, सॉलिड, गैस। लिक्विड हालत वो होती है जो पानी आपके घरों में होता है, जैसे आप किसी बर्तन में पानी भर लें तो वो पानी की लिक्विड हालत होगी। अगर आप उसी पानी को कंटेनर में डालकर उसे चूल्हे में चढ़ाएं और काफ़ी देर के बाद देखें वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा और उस पर से धुआं उठना शुरू हो जाएगा, तो वो जो हालत होगी पानी की, जो जब धुआं उठ रहा होगा वो हालत पानी की गैस हालत होगी। अब इसी के बरक्स अगर हम पानी दूसरे बर्तन में भरकर उसे फ्रीजर में रखें और काफ़ी देर के बाद वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, तो वो हालत उसकी सॉलिड हालत होगी। जब चूल्हे पे पानी चढ़ता है काफ़ी देर के बाद उसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है और उसमें से स्टीम या वाटर वेपर्स उठते हैं, जो वो जो स्टीम उठ रही होती है उसी स्टेट को पानी की हालत को गैस कहते हैं, वही हालत पानी की गैस की होती है। अब यही एक्सपेरिमेंट आप भी घर में ज़रूर कीजिएगा, पानी को एक कंटेनर में लेकर चूल्हे पर चढ़ा कर देखें क्या होगा, फिर पानी को फ्रीजर में रखें, फिर फ्रीजर से निकाल कर देखें उसकी हालत क्या होगी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कीजिएगा। और मिस्टर वुडी जो इस शो का कंडक्टर था, जो सबकी रहनुमाई कर रहा था, उसने इसी के साथ इस शो का एंड किया और सबको शुक्रिया कहा सबका इस शो को कामयाब बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।